अरे हमें सूजी के चीले जो हम डाइट में नाश्ते में खाएंगे उसके लिए हमने ले लिए एक कैप्सिकम, एक खीरा, एक प्याज, चार दो तीन हरी मिर्ची और दो कैरेट और आधा किलो सूजी। सबसे पहले सब्जियों को पूरी काट लेते हैं। A few moments later. वेजिटेबल्स कट गई है, शिमला मिर्ची, कैरेट, हरी मिर्ची, ऑनियन और हमने गाजर को हल्का हल्का ग्राइंड कर लिया है। ये सभी चीज़ें डालेंगी हमारी सूजी के चीले के अंदर में जो हमारे डाइट का बन रहा है। सूजी को निकाल लिया आधा किलो एक बाउल के अंदर में। थोड़ा सा दही ले लिए, ये दही को हम सूजी के अंदर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो दही को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं सबसे पहले, और थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर देते साथ ही साथ। इसके एक अच्छा सा बैटर बनाना है हमें। देख सकते हैं सूजी कितने जल्दी जल्दी पानी पी रही है। अच्छी तरीके से दही को हमें सूजी के साथ मिक्स कर लेना थोड़े से पानी के साथ, पानी डाल के। अभी हमने एक कटोरी के जैसा पानी डाली और एक कटोरी दही डाले। देख सकते हैं आप कैसा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। सकते ही अच्छे से मिल गया एक कटोरी दही और एक कटोरी पानी के अंदर। अब इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स काटे हैं वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम डाल देते हैं कैरेट, एक गाजर लिए हमने जिसको हमने ग्राइंड कर लिए हैं, एक छोटी सी प्याज, दो बारीक हरी मिर्ची और साथ ही इसके अंदर डाल देते हैं हमने जो काट के रखे बारीक ककड़ी, कुकुम्बर, कुकुम्बर भी ऐड कर देते हैं और साथ ही में इसमें शिमला मिर्ची भी ऐड कर देते हैं। एकदम बारीक बारीक फाइनली चॉप करें हमने ताकि चीले हम बनाएं तो इसके अंदर में मुंह में ना आए, एकदम कचर कचर ना लगे खाने में। इसके अंदर में आधा चम्मच जैसा ज़ीरा डाल दे रहे हैं, आधे चम्मच जैसा हम इसके अंदर में काली मिर्च का पाउडर भी डाल दे रहे हैं, साथ हम इसके अंदर थोड़े से मस्टर्ड सीड्स भी ऐड कर दे रहे हैं, एक चुटकी जैसा हम इसके अंदर में ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दे रहे हैं। हम इसके अंदर में आधा चम्मच सॉल्ट भी ऐड करते हैं, आधा चम्मच हमने इसमें सॉल्ट भी डालते हैं। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले ऐसे ही मिक्स करते हैं, देख सकते हैं अभी बहुत ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है हमें और फिर पतला करने के लिए जितना पानी लगेगा अपने हिसाब से पानी डाल के इसका एक ठीक सा बैटर बना लेना है हमें, ताकि हमारा जो चीला या पैनकेक बोलो आप अच्छे तरीके से फैल जाए तवे के ऊपर में, जैसा हम डोसे का उत्तपम का डालते उसी टाइप से। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर ले सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स हो गया लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, जितना आपको पतला करना है उस हिसाब से इसे अब हम पतला कर लेंगे ताकि हमारे जो चीले रहेंगे अच्छी तरीके से तवे के ऊपर में बेल सके, फैल सके, सॉरी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अब हमने इतनी ठीक रखी है, पहले एकदम ज़्यादा गाढ़ा था और अभी हमने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखी है ताकि ये थोड़ा सा ठीक रहेगा तो फैलाने में इजी रहेगा और थोड़ा अच्छा बनेगा और एकदम पतला भी नहीं बनेगा, थोड़ा सा थिक बनेगा, क्योंकि वेजिटेबल्स हमने पूरी हेल्दी इसके अंदर डाले हैं और ये ब्रेकफास्ट में काफ़ी ही अच्छा और लाइट वेट होता है, खाने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे अभी रात में, फिर कल मॉर्निंग में हम इसका ब्रेकफास्ट के अंदर में पैनकेक बोलो या सूजी का चीला बोलो, वेजिटेबल्स चीला, फिर हम इसे सर्व करेंगे ब्लैक कॉफ़ी के साथ में मॉर्निंग में। ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से, अब हम इसे एक गर्म जगह पे रख देंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा सा खमीर आ जाए और ये अच्छे तरीके से फूल जाए और फिर हम इसे कल मॉर्निंग में इसके हम आपको पैनकेक और चीले जो भी बोलो आप वो बना के दिखाएंगे। ये हमारा बन चुका, पूरा बैटर बिक चुका है, अब हम इसे रख देंगे। नेक्स्ट डे देख सकते हैं आज दूसरा दिन आ गया है, हमारा जो बैटर था उसके अंदर अच्छा खमीर आ गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसके चीले या आप कह सकते हैं पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप अच्छा ज़्यादा इसमें खमीर के लम्स आ चुके हैं, बबल्स जो दिख रहे हैं। हवा
रख दी है चीला तलने के लिए। इसमें ज़रा सा ऑयल डाल लेते हैं, सबसे थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, दो चार बूंद, ज़्यादा नहीं क्योंकि हम ये डाइट वाला बना रहे हैं। ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये कोई डाइट नहीं रह जाएंगी। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। हमने ऑयल को अच्छे से ग्रीसिंग कर दिया है, थोड़ा सा ऑयल को भी थोड़ा गर्म होने देते हैं पैन को। बटर को एक बार और चला देते हैं अच्छे तरीके से और फिर हम पैनकेक या चीला जो भी कहो डायरेक्ट इस पर डालते जाएंगे। इस तरीके से डाल के इसको हल्का हल्का फैला लेंगे। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी रहते हैं गाइस। ये हमारा एक चीला तैयार हो गया है, यहाँ पे तैयार होती आ गई है। देख सकते हैं ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, चीला भी सिक रहा है। चीला बन जाता है फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये है हमारी चीले की रेसिपी, बिल्कुल इजी और टेस्टी रेसिपी है। आप लोग भी ट्राई करो, काफ़ी पसंद आएंगे आप लोगों को। चीला एक तरफ से हो गया, नॉन स्टिक में होने की वजह से चिपकता भी नहीं है। अब इसको हम पलटा लेते हैं। एक तरफ से हमारा गाइस हो चुका है। हमारा ये चीला कंप्लीट हो गया, इसको उल्टी पलटी करके देख सकते हैं आप, तैयार हो गया। इसको अब हम एक हाफ फोल्ड कर देते हैं। हम निकाल लेते हैं। ओके गाइस, इसको भी पलटी कर देते हैं। गाइस हमारे चीले तैयार हो गए, देख सकते हैं आप। ये डाइट के चीले हैं, बहुत ही टेस्टी और खाने भी एकदम लाइट लगता है और काफ़ी ही इजी बनते हैं।